आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने जा रही है। इस बीच देश के राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर सियासी घमासान छेड़ दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर को देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया था। कहा था कि जो राजनीतिक दल इस तरह की स्वार्थ की राजनीति करते हैं, वो देश के बच्चों से उनका हक छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के ऐसे फैसले देश को आगे बढ़ने से रोकेंगे, देश के टैक्स देने वालों पर बोझ बढ़ेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रेवड़ी कल्चर का विरोध किया था और इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए आपदा बताया था। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी, आज उस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसका एक पहलू यह भी है सर कि केंद्र सरकार से जो सुझाव मांगा गया था, केंद्र अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखेगा। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को, केंद्र का क्या पक्ष है इस पूरे मामले पर? देखिए, केंद्र का पक्ष भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बता सकता है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी के जिस तरह के बचकाने वक्तव्य आ रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो गई है कि ईडी मामले में उनके पास जो जनता के सवाल हैं उसका कोई उत्तर नहीं। गांधी परिवार की नियत काली है, कृत्य काले हैं। 3 सदस्य परिवार के भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं और बेल पे बाहर हैं। और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री जी और देश के सारे नागरिक कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये लोग अपनी काली नियत और काले कृत्य लेके केवल व्यवधान जो है करते हैं उसमें, ये पूरा देश देख रहा है। जी शुक्रिया गौरव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये कांग्रेस के प्रदर्शन पर पीएम ने तंज कसा और उसके बाद आप देखिए कि सियासी घमासानों के बीच में एक ये बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी कल्चर पर अहम सुनवाई होनी है और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर जो तमाम बातें कही हैं वो जानना, वो समझना बहुत जरूरी है।